गाइस वेलकम बैक टू अवर डेली व्लॉग। और आज है संडे और मेरे हाथ की हालत देख सकते हो कितने गंदे हो चुके हैं। मैं बाइक की चेन क्लीन कर रहा था पेट्रोल के साथ और सेम वही प्रोसेस जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था, बट इस बार थोड़ा सेफली। और बाइक की कंडीशन देखो यार, कल एक्सीडेंट कर दिया था दोस्त ने तो उस वजह से हेड चले गया है और बाकी इसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है फ्रंट टायर की। सो अभी मैं इसका फ्यूज़ देख रहा था, एबीएस का निकाल रहा था फ्यूज। वैसे तो इसका रेयर ऑफ रोड ही रहता है बट फ्रंट एबीएस काम कर रहा था तो मैं अभी फ्यूज़ निकाल रहा था इसका। सो यहाँ पे होता है मतलब फ्यूज़ ये साइड में, सो आप लोग भी निकाल सकते हो। ऑफ रोडिंग के लिए एबीएस नहीं चाहिए होता है। ये देखिए मीटर ऐसे जैसे ओपन करोगे ना इसके ऑपोजिट लिखा होता है मीटर EFT इस पे ये मेन एबीएस। और ये देखो तो यहाँ पे था 10 नंबर, ये निकाल के मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया यहाँ पे। ये देखो ना इसके सामने था यहाँ पे, ये निकाल दिया मैंने यहाँ पे कर दिया। सो बाकी छोटा मोटा काम कर रहा हूँ और एग्जॉस्ट की साउंड आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ मैं। वेट बहुत, और एक और दिक्कत आ रही है इसमें यार, पता नहीं मैंने, ये देखो थोड़ा लेट उठा रही है सेल्फ, बट कोई इशू वाली बात नहीं है, कराएंगे। इसका क्लच लीवर वगैरह भी कराना है कल फिर से मंडे, आज तो संडे है ना तो एजेंसी बंद है तो कल जाना पड़ेगा। और एग्जॉस्ट लुक देखो यार कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये देखो गलियों से आता हूँ ना तो वो बोल रहे भाई तू मेन रोड से जाया कर, यहाँ से मत आया कर। और यार बहुत इसका हेड का कोई इशू नहीं है, हेड तो चलो मैंने वैसे भी कर दिया था ऑर्डर, हेड कुछ और ही लगाना है, बट इसकी अलाइनमेंट यार टायर बबल कर रहा है फ्रंट भी रेयर भी, सो पता नहीं क्या इशू है। आज संडे था नहीं तो मैंने आज ही चले जाना था, एजेंसी बंद थी। सो करते हैं इसका थोड़ा खुद देखते हैं और साफ सफाई करते हैं। देखो कल वॉश कराई थी ना, बट कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही करते हैं एजेंसी में काम। और एजेंसी में इन्होंने एक और चीज़ यार, फ्रंट ब्रेक ऑयल नहीं देखा, मतलब उनकी सर्विस मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। KTM वाले फिर भी यार थोड़ा खुद ही देख लेते हैं, खुद ही बता देते हैं। और इसके ब्रेक पैड भी ख़त्म है, बहुत ज़्यादा काम है यार इस बाइक का ना, फ्रंट ब्रेक पैड रेयर ब्रेक पैड ये दोनों के दोनों बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं मेरे को। फ्रंट भी अप्रॉक्स 1300-1400 और रेयर 1500, तो 3000 के करीब पड़ जाएगा। बट एक चीज़ देखी मैंने कि जो इसका फ्रंट पैड है ना वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, अपाचे का डल जाएगा, और रेयर जो है वो होंडा का हॉर्नेट का कोई भी मतलब रेयर, तो आपका दोनों ब्रेक पैड डल जाएंगे 1200 में, वो तो बाहर ही कराना पड़ेगा काम, और बाकी का एजेंसी में चेक कराते हैं। सो देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड होता है। सो अभी मैं इसको ल्यूब कर लेता हूँ, क्लीन तो मैंने कर दी है पेट्रोल से बट फिर भी यार सूखी पड़ गई, पता नहीं क्या, काफ़ी टाइम से चली नहीं थी ना। सो करते हैं काम के 7-8 बज रहे हैं और मैं अपनी बाइक का काम कराने आया था, तो यहाँ पे सारी की सारी एक्सपल्स ही खड़ी हैं, 1, 2, 3 और एक अपनी 4, ये देखो। और मैं अपनी बाइक में हैंडल बार लगवा रहा हूँ, इसका फ्रंट हेड भी आएगा थोड़े दिन में, और ये वाला KTM के हैं और अभी इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, सो देखते हैं। और हेड का यार जब हेड लगेगा ना तब बहुत बढ़िया हो जाएगा, सो धीरे धीरे होगा। और बाकी के पार्सल अभी आ रहे हैं सो देखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे में, सो बने रहिए आप ऐसे ही। डाल दी भाई। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे हैंड गार्ड लगा के, और ये चेक करो यार ये गोल्डन स्प्रे किया मैंने अभी जस्ट, और हाथों की हालत देख सकते हो बहुत गलत, और हैंड गार्ड भी लग चुके हैं यार, मेरे से वेट नहीं हो रहा इसका, हेड और फेंडर और पीछे का रेयर फेंडर आएगा। और बाकी इस पर अभी थोड़ी और मॉडिफिकेशंस होंगी, मैंने आपको बोला था कि डे बाय डे इसमें चेंजेस आएंगे। और ये देखो एक यहाँ पे भी कर दिया मैंने गोल्डन, देखो ज़्यादा ही हो गया नहीं चीर रहा। और ये अपनी बीस्ट खड़ी हुई है, सो अब इसका मन नहीं कर रहा मतलब चलाने का, सो ऐसी अच्छी लग रही है दोनों की दोनों, देखो यार कितनी प्यारी है ना। करेंगे कल और देखते हैं, कल वैसे हेड आ चुका है सो देखते हैं कि कल खुला होता है या नहीं, क्योंकि कल है 22 जैन, तो आई थिंक सब कुछ बंद है, सो देखते हैं। लास्ट लुक चेक कर सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ना। पहले तो सभी भाई बहनों को जय श्री राम, आज है 22 जैन और हर जगह लंगर वगैरह लगे हुए हैं और प्रॉपर रैलियाँ निकल रही हैं,
सो यार आपको मैं बताना भूल गया था, मतलब कि इसका ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यार। ये देखो लेफ़्ट साइड हैंडल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे टच हो रहा है पैनल के साथ और बबल खा रहा है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं जा रहा हूँ एजेंसी, क्योंकि आपको पता है इसका मेरे फ्रेंड ने, मतलब हो जाता है यार गलतियाँ, सबसे होती हैं, ज़रूरी नहीं है, बट लग गई थी। तो इसका हैंडल बबल कर रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब चलाने में दिक्कत आ रही है, तो अभी चेक कर आता हूँ और देखते कि क्या क्या होता है। और बाकी अपने हाइट भी आ चुका है, मेरे को लगा आज ऑफ होगा क्योंकि आज सारी जगह छुट्टी थी, तो स्पीड पोस्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना एक पार्सल आया हुआ है हेड और फेंडर का। सो देखते हैं, सो बने आप ऐसे वीडियो में, और अब देखते क्या क्या शूट होता है। और साउंड सुनो यार, इस साउंड की वजह से ना मतलब मेरे लोकल एरिया में बैन कर दिया मेरे को, बोलते कि इस रास्ते से मत आया कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है यार एग्जॉस्ट। वैसे मेरे को तो मज़ा आ रहा है, बट लोग गालियाँ निकाल रहे हैं यार। एजेंसी और इसकी यार हैंडल टी चली गई है, और बाकी अभी लगेगा पता। और मैं सोच रहा हूँ मैं इसके ब्रेक पैड भी डलवा ही लेता हूँ, फ्रंट टायर खुला है तो मैं क्या साथ में ब्रेक पैड भी डलवा लेते हैं। और यार ये मेरे को पता है ये गोल्डन वाला अच्छा नहीं लग रहा, बट कोई नहीं, अभी प्रॉपर काम होगा तो सभी कराते हैं काम, देखते हैं और क्या क्या इसमें इंस्टॉल होना है। सो बने रहे आप ऐसी वीडियो में। शॉकर चेक किए ना, तो शॉकर हल्के हल्के बैंड हैं, तो यहाँ पे बाहर आए हुए हैं जुगाड़ कराने। सो देखते हैं मशीन में करेंगे इसको। अभी चेक कर रहे हैं मशीन में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे चेक होता है ये शॉकर। ये देखो मतलब इतना फील नहीं है, माइनर माइनर है, आप लोगों को ऐसे दिखेगा नहीं, मेरे को खुद नहीं जजमेंट हो रही है, बट है तो अभी लग जाएगा पता कि है या नहीं, अगर होंगे भी तो कर देंगे ये ठीक। और देख सकते हो कैसे हो रहे हैं, बैंड है हल्का सा। प्रेस कर रहे हैं मशीन के साथ, हल्का सही है, ज़्यादा नहीं है, ये वाला तो हो गया ऑल ओवर। बैलेंसिंग कर रहे हैं और इसका भी देखते हैं, उसका तो ऑल ओवर हो ही गया, मतलब पहले ज़्यादा गैप था अब ठीक हो गया, फिर तो कराया है ठीक। यहाँ से होता है ये वाली चीज़ चली गई थी हैंडल टी, तो ये नहीं डली। और भाई देखो यार कैसी लग रही है आपसे, विदाउट हेड का भी आ गया, अपना हेड का पार्सल भी गया था बट उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने बोला कल मिलेगा, तो कल इसका हेड भी लग जाएगा। सो देखते हैं धीरे धीरे काम डन होगा इसका। मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, पिछले आप देख सकते हो पिछले दो दिन से मतलब बाइक का ही काम करा रहा हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, और यार मैं इसलिए बना रहा हूँ ब्लॉग्स मतलब बाइक के रिगार्डिंग पूरी मॉडिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली जस्टिफाई हो जाए कि कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। देखने में तो अगर मैं वैसे भी कर सकता था, एक हफ्ते बाद भी डाल सकता डकली जो भी मतलब इसमें होना था काम, तो वो उसकी पीछे मेहनत आपको शो नहीं होनी थी। सो अभी 3-4 दिन हो गए रेगुलर मैं कंटिन्यू सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ बाइक का काम कराने के लिए। और ये चेक कर सकते हो ये आज का बिल है, आज 2400 रुपये लगा जो भी काम था, और पिछले कल का बिल है ये 1400। इसका एक ये है कि हीरो वालों के कम ही हैं चार्जेस, अपनी KTM के बहुत ज़्यादा हैं। सो बाइक लेना आसान है और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक्चुअली थी तो थी बाइक, बट आपको पता है शौक जो होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, सो बस एक ही शौक था, बट धीरे धीरे करेंगे और भी लेके आएंगे बाइक्स अपने गैराज में। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ये 2 दिन का ब्लॉग है 21 और 22 जैन का। सो बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी मॉडिफिकेशन रहेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप से शेयरिंग। सो ठीक है गाइज, बाय, गुड नाइट।